वेलकम टू माय चैनल, दिस इज सिजलर सलोनी। तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइज, ये मेरा नवरात्र स्पेशल वीडियो होने वाला है, डेडिकेटेड टू दुर्गा जी। एक्चुअली नवरात्र चल रहा था और मुझे नवरात्र के ऊपर वीडियो बनाना था, बट मैं थोड़ा लेट हो गई बिकॉज आई वॉज वेरी बिजी विथ माई ऑफिस एंड अदर स्टफ। तो आज मेरा ऑफ था तो मैंने सोचा क्यों ना नवरात्र के ऊपर वीडियो बनाया जाए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं माता भगवती के 9 रूपों के बारे में आपको बताऊंगी और उनके हर एक रूप की व्याख्या करूंगी और क्या सिग्निफिकेंस है उनके हर एक रूप का, इसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर कीजिएगा। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइज। तो गाइज, आपको पता है कि नवरात्रि वर्ड, जो कि इस वर्ड से ही क्लियर होता है कि ये 9 दिन का फेस्टिवल है और दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इंडिया में ये बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, देश के हर एक कोने में ये ऐसा फेस्टिवल है जो अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। लाइक अगर मैं बात करूँ गुजरात, मुंबई, इन एरियाज की, तो यहाँ पे 9 दिनों तक रात्रि में लोग गरबा करते हैं, डांस करते हैं और माता के भक्ति में झूमते हैं, नाचता भी करते हैं। वो 9 दिनों तक माता की चौकी बिठाई जाती है और जगराता करते हैं, बहुत ही धूमधाम से होता है चंडीगढ़ एंड ऑल दिस एरियाज में, तो काफ़ी अच्छा होता है। बात करूँ अगर मैं ईस्टर्न साइड की, जैसे कि मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, झारखंड, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, तो इन एरियाज में ये वन ऑफ द मोस्ट वेटेड फेस्टिवल होता है ईयर्स का और काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जगह जगह पे दुर्गा जी की प्रतिमा बनाई जाती है, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के पंडाल बनाए जाते हैं, उनमें मूर्ति बिठाई जाती है, पे मेला वगैरह लगता है, लोग घूमने जाते हैं, तो काफ़ी बड़ा फेस्टिवल है। लेकिन शायद हमें इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में और जानना चाहिए कि हम नवरात्र क्यों मनाते हैं, वट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ माँ दुर्गा, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, रीज़न क्या है। तो स्टार्ट ले माता के 9 रूपों के बारे में बता देती हूँ। तो हम 9 दिनों तक माता के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं, जो कि इस प्रकार है। उनका जो रूप है वो शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है, दूसरा जो उनका रूप है वो ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है, तीसरा उनका रूप है वो चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है, चौथा उनका रूप है कुष्मांडा के नाम से, पांचवा स्कंद माता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी एंड नौमी, जो कि आज नौमी है, सिद्धिदात्री। तो इन सारे रूपों का अपना ही सिग्निफिकेंस है। माता का हर एक रूप अपने आप में काफ़ी व्यापक और सर्वश्रेष्ठ है, बट जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, जो मेरा फेवरेट रूप उनका है, वो कालरात्रि है। क्योंकि कालरात्रि मुझे इसलिए भी पसंद है बिकॉज वो एक जो हम कहते हैं ना कि नारी शक्ति की अगर मैं बात करूँ, तो हम हमेशा फीमेल को एज एन फीमेल हम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल, बहुत ही ज़्यादा पोलाइट एंड ममतामयी नज़रों से देखते हैं, बट वो जो कालरात्रि है वो एक्चुअली में वो आपको ये बताता है कि जब जरूरत पड़ने पे नारी किस रूप में जा सकती है और अपना करती है। तो कालरात्रि इज माय फेवरेट, जिसको हम सप्तमी कहते हैं, विच इज माय फेवरेट डे ऑफ ऑल द नवरात्र। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों का फेवरेट डे पूरे 9 दिन में कौन सा है। तो स्टार्ट करते हैं उनके हर एक रूप के बारे में थोड़ी हम बातें कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि नवरात्र क्यों मनाया जाता है, लाइक व्हाट इज द रीजन। दुर्गा जी पता है कि पौराणिक काल में एक बहुत ही बड़ा राक्षस था महिषासुर के नाम से, कई सालों तक कठोर तपस्या करके भगवान से ये वरदान प्राप्त किया था कि मुझे कोई मार नहीं सकता, मतलब मैं किसी पुरुष के हाथों मेरी मृत्यु नहीं होगी, मैं मुझे कोई मार नहीं सकेगा, और अगर कोई मुझे मारता है और अगर मेरा रक्त का बूंद हाँ पे गिरता है तो उस बूंद से मेरी दोबारा से जन्म हो जाएगी। लाइक तो ये उसने बहुत कठिन परिश्रम करके, सालों तक परिश्रम करके उसने ये वरदान प्राप्त किया, तो इसी वजह से महिषासुर का ये वरदान मिला था। और वो अत्याचार, अपना पूरा अत्याचार धरती पे कर रहा था, वो लोगों को सता रहा था और था, तो ये काफी चिंता का विषय बन गया था सारी देवी देवताओं, तो उससे सृष्टि को कैसे बचाया जाए, इसका संहार कैसे किया जाए। सारे भगवान ने मिलकर डिसाइड किया कि हम सारी देवी देवताएं अपनी अपनी शक्ति ऊर्जा से एक
एक शक्ति को जन्म देंगे और वो उसका नाम दुर्गा होगा। तो सारे देवता, जितने भी देवी देवता थे, ब्रह्मा विष्णु महेश और जितने भी देवी देवताएं हैं, उन्होंने मिलकर अपनी अपनी ऊर्जा से एक शक्ति को उत्पन्न किया जिसे हम देवी दुर्गा कहते हैं। और देवी दुर्गा वाकई में शक्ति का रूप है और कहा जाता है कि शक्ति के बिन शिव भी सब है। स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं उनकी 9 रूपों के बारे में, एक एक करके बात करते हैं। तो गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि नवरात्र का फेस्टिवल साल में 2 बार मनाया जाता है। ये पहला चैत्र के महीने में जो कि अप्रैल मंथ में मनाया जाता है और दूसरा अश्विन शुक्ल पक्ष यानी कि अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। वैसे तो दोनों ही नवरात्र इक्वली इम्पॉर्टेंट है, बट कहा जाता है कि ज्यादा महत्व अश्विन शुक्ल पक्ष यानी ये जो अक्टूबर वाला दुर्गा पूजा नवरात्र होता है, इसका ज्यादा महत्व है। पूर्व जन्म में वो दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी, उन्हीं का ये रूप है शैलपुत्री। शैलपुत्री नंदी की सवारी करती है दोस्तों, और इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल होता है। तो ये है माता शैलपुत्री का प्रथम स्वरूप जिसकी हम नवरात्र के पहले दिन आराधना करते हैं। अब बात करें इनके दूसरे सेकेंड रूप की, तो इनका जो मुनि के नारद मुनि के उपदेश से भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माता ब्रह्मचारिणी और देवी ने काफी कठिन तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक इन्होंने कठिन तपस्या की थी और इन्होंने सिर्फ फल पत्ते वगैरह खा करके तपस्या की थी, और उस टाइम पे ऐसी कठिन तपस्या किसी ने नहीं की। इस कठिन तपस्या की वजह से ही इन्हें ब्रह्मचारिणी का। दोस्तों, बात करें अगर माता के तीसरे रूप के बारे में, तो तीसरे दिन देवी की आराधना चंद्रघंटा के रूप में की जाती है। कहा जाता है कि जी से शादी करने की आधा चांद इनके सिर के ऊपर आ गया था, जिसकी वजह से इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इन रूप में इनके सिर के ऊपर आधे आकार का चांद होता है और ये बाघ की सवारी करती है, और इनके अलग अलग हाथों में अलग अलग अस्त्र और शस्त्र। दोस्तों, अगर बात करें माता के चौथे रूप की, तो चौथे में इनकी पूजा कुष्मांडा के रूप में होती है। कहा जाता है कि कुष्मांडा ऊर्जावान होता है। ये इनकी सबसे एनर्जेटिक छवि है माता की, और इसमें इनके 8 हाथ हैं। 8 हाथ में 4 हाथों में अस्त्र शस्त्र है और 4 हाथ कमंडल, जापमाला, कमल, अमृत कलश। दोस्तों, बात करें अगर माता के पांचवें रूप की, तो पांचवें दिन इनकी पूजा स्कंद माता के रूप में होती है। संग्राम में भगवान कार्तिकेय देवताओं के सेनापति बने थे, और इनकी माता होने की वजह से इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। इन देवी के इस रूप की प्रतिमा की अगर मैं बात करूं, उनकी सवारी करती है और इनके गोद में भगवान कार्तिकेय, कुमार कार्तिकेय होते हैं, तो ये माता का स्कंद माता रूप कहलाता है। दोस्तों, बात करें अगर माता के छठे रूप की, छठे दिन, तो छठे दिन इनकी पूजा कात्यायनी देवी के नाम से की जाती है। कात्यायनी कहा जाता है कि पौराणिक काल में महर्षि कात्यायनी ने देवी की काफी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उनके घर में पुत्री के रूप में पैदा हुई थी, और महर्षि कात्यायन के घर जन्म लेने की वजह देवी कात्यायनी के रूप से पूजा जाता है। तो दोस्तों, बात करते हैं इनके सातवें दिन के रूप, मेरा फेवरेट रूप है इनका कालरात्रि। कहा जाता है कि रक्त बीज का संहार करने के लिए माता ने ऐसा विकराल रूप धारण किया था। ये माता का सबसे क्रोधित रूप है। इसमें माता के बाल पूरे बिखरे हुए हैं, ये बाघ की सवारी करती है और इनका फेस पूरा काला पड़ा होता है, और ये काफी मुझे लगता है ये काफी पावरफुल फेस है देवी दुर्गा का, जिसमें इसका संहार किया था, और उनके उसके संहार करने के बाद इन्होंने उस रक्त बीज का बूंद पृथ्वी पर नहीं पड़ने दिया था, और उसे पृथ्वी पर पड़ने से पहले ही उन्होंने उसका रक्तपान कर लिया था। तो ये माता का सबसे सर्वाधिक विकराल रूप होता है, और ये काफी पावरफुल रूप होता है, और मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है। तो इसे कालरात्रि के नाम से जाना जाता है और इसे सप्तमी के नाम से भी जाना जाता। बात करें अगर माता की आठवें रूप की, तो आठवें दिन में इनकी पूजा महागौरी के नाम से की जाती है। कहा जाता है कि रक्त बीज का संहार करने के बाद जब माता ने देवी गंगा का स्नान किया, तो इन्होंने पुनः अपने अलौकिक और दिव्य रूप
रूप को प्राप्त किया। और जब ये गंगा से स्नान करके बाहर आई तो इनका रूप दिव्यमय था, चांद के समान था, जिसकी वजह से इन्हें महागौरी गौर रूप में ये आई थी, जिसकी वजह से इन्हें महागौरी के नाम से जाना जाता है, जिसकी पूजा अष्टमी के नाम से की जाती है। इनके रूप में नंदी की सवारी करती है और इनके 8 भुजाएं हैं, 4 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र है और 4 भुजाओं में कमंडल, डमरू और त्रिशूल। दोस्तों, 9वें दिन जिस रूप की हम पूजा करते हैं वो सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, सिद्धियों की स्वामिनी है और ये अपने भक्तों को सिद्धियां प्रदान करती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वयं भगवान शंकर ने इनकी कठिन तपस्या की थी सिद्धि प्राप्त करने के लिए। कहा जाता है कि भगवान शंकर के तपस्या के पश्चात इन्होंने का हो गया था, जिसे हम अर्ध नारीश्वर के रूप से जानते हैं। तो ये के दिन माता की अष्ट सिद्धि और अर्ध नारीश्वर रूप की पूजा होती है। सिद्धिदात्री रूप में माता कमल पे विराजमान होती है और इनके 4 हाथों में कमल, गदा, चक्र और शंख। तो दोस्तों, ये थी माता के 9 रूपों के बारे में। आई होप मेरी वीडियो से कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली होगी माता दुर्गा के बारे में। वैसे दोस्तों, माता दुर्गा के कई सारे नाम हैं, तो लेट्स सी कि मुझे उनके कौन कौन से नाम पता है। तो स्टार्ट करते हैं उनके कुछ नामों के बारे में। तो सबसे पहले माँ भगवती, दुर्गा, पिंडी रानी, शुभंकर, महिषासुर मर्दिनी, चंडिका और भी बहुत सारे नाम हैं देवी दुर्गा के। तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा कि आपको उनके कौन से नाम, उनका नाम कौन सा सबसे अच्छा लगता है। मुझे उनका नाम सबसे अच्छा महिषासुर मर्दिनी लगता है। हम सबको पता है कि वी लिव इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, हमारा सोसाइटी मेल डोमिनेटेड है, बट कहीं ना कहीं जब हम देवी दुर्गा की प्रतिमा की पूजा करते हैं और 9 दिन तक उनकी आराधना करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं हमें ये भी पता होता है कि हम शक्ति की आराधना कर रहे हैं। हर नारी में वो शक्ति विराज राजमान है और कहा जाता है कि शक्ति के बिन शिव भी शव है, तो शक्ति के बिना कोई भी पुरुष कंप्लीट नहीं होता है। तो इस वजह से नवरात्रि का पूजा इसलिए भी बहुत स्पेशल है, क्योंकि इसमें हम शक्ति की उपासना करते हैं। और ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स थे दोस्तों, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया नवरात्रि से रिलेटेड। आई होप कि आपने नवरात्रि का फेस्टिवल अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय किया होगा और गरबा किया होगा, डांस किया होगा। तो हम सब पे ऐसी बनी रहे। और लास्ट में सबको मैं जाते जाते सबको जय माता दी बोलना चाहूंगी और हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू गाइज। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में गाइज। टिल द टाइम दिस इज सिजलर सलोनी साइनिंग यू आउट गाइज। बाय गाइज, बाय।